बैक टू माई चैनल किचन विद रेहाना रहमान। ये वीडियो ना हम शूट नहीं करने वाले थे बट शूट कर लिए, वो भी रेसिपी स्टार्ट होने के बाद में। तो आज हम बना रहे हैं वेज मोमोज, वो भी हेल्दी गेहूं के आटे के साथ। चलो प्रोसेस देखेंगे। ये सब्ज़ी ना सारी पहले हम बॉईल कर लिए। बॉईल करने के बाद में से ये सब्ज़ी क्या क्या है, आलू, पत्ता गोभी, बीन्स, कैप्सिकम, ऑनियन, कैरेट, आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते, पनीर, मटर, ऐसा। तो हम इसमें ऐड करके थोड़ा सा हल्दी, गार्लिक और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चिली पाउडर इसे डाल के ये स्टफ प्रिपेयर कर रहे हैं वेज मोमोज। अगर आप लोग प्योर वेजिटेरियन है तो इसमें लहसुन ऐड मत कीजिए। ये है देखो मोमोज की चटनी, इसमें टमाटर, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, सूखा मिर्ची डाल के बॉइल करने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद, ठंडा होने पर इसको पीस लिए। थोड़ा सा नमक, चाट मसाला भी ऐड करें हम, आप चाहे तो अपने हिसाब से बनाइए चाट मसाले के बगैर, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कप आटा में थोड़ा सा नमक ऐड करें, चक्की का आटा बोलते हैं उसको, लेके आटा गूंद लिया। गूंदने के बाद में से यहाँ पे छोटे छोटे लोई बना के यहाँ पे इस तरह छोटा छोटा चपाती बनाया हो, छोटा साइज 5 सेंटीमीटर का कुछ है। इसमें अभी हम जो स्टफ प्रिपेयर करें ना उसको ऐड करेंगे। ये देखो हमारा स्टफ रेडी है, इस तरह से स्टफ ऐड करेंगे। स्टफ ऐड करके इसको अच्छे से मोमो का शेप देंगे। देखो यहाँ पे हम मोमोज बना दिए, 12 पीस हैं। और ये देखो हम इडली कुकर ले लिए, अब इसमें पानी ऐड करें। ऐड करने में जो इडली प्लेट्स रहते हैं इसको ऑयल अप्लाई करके मोमोज इसमें ऐड करके आपको बताएंगे। ऑयल लगा लिए, लगाने के बाद से इसमें हम मोमोज प्लेस करेंगे। आप चाहें तो एक में एक कर, एक में दो तीन भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा ऐड कर लो, चलो हमारे 12 मोमोज के प्लेट रेडी है। तो इसमें एक के बाद एक मिक्स करेंगे। इसमें प्लेस कर देंगे, प्लेस करेंगे 15 मिनट्स के लिए इसको पका लेंगे, ठीक है। Through the highways, through my shadow, through the sun rays, and